रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जमेरात को बीआरएस के अक़लियती क़ायदीन के साथ नई दिल्ली में बीआरएस की अक़वामी पार्टी ऑफिस की इफ्तिताही तक़रीर में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि टीआरएस पार्टी रियासती पार्टी से वसअत पाते हुए बीआरएस पार्टी भी तब्दील हो चुकी है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क भर के इंतखाबात में हिस्सा ले सके। उन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी के ऐलान से मुल्क भर की सेक्युलर सियासी जमातियों और सेक्युलर जहनीत के अफराद में खुशी की लहर चल रही है, क्योंकि दौरे हाजिर में मरकज की तासुब परस्त पार्टी और उनके कायदीन के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किसी में नहीं है। मगर पिछले कई महीनों से केसीआर वाहिद लीडर हैं जो मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और मुतसब रवैये पर बेबाक बयानात के लिए मारूफ हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2014 में मरकज में बीजेपी और तेलंगाना रियासत में टीआरएस पार्टी ने इख्तदार संभाला। इन 8.5 सालों में तेलंगाना ने मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की हासिल की, जबकि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की शबी आलम में मुतासर हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा है कि के चंद्रशेखर राव मुल्क भर के एक अमली सेक्युलर कायद हैं, जिन्होंने तेलंगाना में तमाम मजाहब के लोगों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए यकसा मौके फराहम किए हैं।